करके भारी भ्रष्टाचार किया है, क्या यह जनता के साथ धोखा नहीं है? है कि नहीं धोखा? धोखा है। भूपेंद्र बघेल का कहना है कि प्रत्येक गोठान में लगभग 19 लाख रुपया खर्च किया गया। क्या आपके गांव में गोठान 19 लाख के लायक काम हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। थोड़ा काम हुआ उसका भी भुगतान नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। क्या गोठान के नाम पर सरपंच और ग्राम पंचायतों को परेशान नहीं किया गया? ग्राम पंचायत पैसों को जबरन गोठान में नहीं लगाया गया? क्या सरपंच उधारी में नहीं फंसे हैं? फंसे। सही बात। क्या नियम अनुसार गोठान समिति का आपके गांव में चुनाव हुआ है? नहीं चुनाव भी नहीं हुआ। कोई कांग्रेस को अध्यक्ष बना होगा? क्या कांग्रेस नेता बिना चुनाव के गोठान पर कब्जा कर लिए हैं? हेलो, बिना ही तो बन गए। भारत सरकार ने मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14वें वित्त 15वें वित्त, LWE, रूबन DMF फंड माने खनिज गैस निधि जैसे योजनाओं से आपके गांव के विकास के लिए जो राशि भेजी उसका गोठान के नाम पर भारी भ्रष्टाचार किया गया, क्या यह गांव के साथ अन्याय नहीं? अन्याय है। प्रत्येक गोठान में 3000 गाय रखने का नियम है, क्या आपके गांव में गोठान में एक भी गाय है? नहीं है। तो कहां गाय है? गाय कहां है? गोबर खरीदी के नाम पर प्रतिमाह करोड़ों का भुगतान कांग्रेस सरकार कर रही है, आपके गांव मामलों की राशि मिल रही है? नहीं, कोई गोबर खरीदी नहीं हो रही है। 2 रुपया किलो के दर से गोबर खरीदा गया, वह वर्मी काम पोस्ट के दाम पर कंकड़ पत्थर मिलाकर वही गोबर 10 रुपया प्रति किलो के दर से जबरन किसानों को बेचा गया, क्या गोबर खरीदी के नाम पर ठगी नहीं है? रखना पड़ेगा।